ओम श्रीमती नमः। श्री हनुमान जी के द्वादश नाम स्तोत्र श्रवण करने से दसों दिशाओं में विजय प्राप्त होती है। हनुमान जी संकट मोचन है, संकटों का हरण करते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र इस प्रकार है। हनुमान वंजनी सुनुर वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुन सखा पिंगाक्षो अमित विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन। ॐ श्रीमती नमः। ॐ श्रीमती नमः। श्री हनुमान जी के द्वादश नाम स्तोत्र श्रवण करने से दसों दिशाओं में विजय प्राप्त होती है। हनुमान जी संकट मोचन है, संकटों का हरण करते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र इस प्रकार है। हनुमान वंजनी सुनुर वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुन सखा पिंगाक्षो अमित विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन। ॐ श्रीमती नमः। श्री हनुमान जी के द्वादश नाम स्तोत्र श्रवण करने से दसों दिशाओं में विजय प्राप्त होती है। हनुमान जी संकट मोचन है, संकटों का हरण करते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र इस प्रकार है। हनुमान वंजनी सुनुर वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुन सखा पिंगाक्षो अमित विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन। ॐ श्रीमती नमः। श्री हनुमान जी की द्वादश नाम स्तोत्र श्रवण करने से दसों दिशाओं में विजय प्राप्त होती है। हनुमान जी संकट मोचन है, संकटों का हरण करते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र इस प्रकार है। हनुमान वंजनी सुनुर वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुन सखा पिंगाक्षो
अमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन ॐ श्रीमते नमः श्री हनुमान जी की द्वादश नाम स्तोत्र श्रवण करने से दसों दिशाओं में विजय प्राप्त होती है। हनुमान जी संकट मोचन है, संकटों का हरण करते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र इस प्रकार है। हनुमान वंजनी सुनुर वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुन सखा पिंगाक्षो अमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन ॐ श्रीमते नमः श्री हनुमान जी की द्वादश नाम स्तोत्र श्रवण करने से दसों दिशाओं में विजय प्राप्त होती है। हनुमान जी संकट मोचन है, संकटों का हरण करते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र इस प्रकार है। हनुमान वंजनी सुनुर वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुन सखा पिंगाक्षो अमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन ॐ श्रीमते नमः श्री हनुमान जी की द्वादश नाम स्तोत्र श्रवण करने से दसों दिशाओं में विजय प्राप्त होती है। हनुमान जी संकट मोचन है, संकटों का हरण करते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र इस प्रकार है। हनुमान वंजनी सुनुर वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुन सखा पिंगाक्षो अमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन ॐ
ॐ श्री सुमते नमः। श्री हनुमान जी के द्वादश नाम स्तोत्र श्रवण करने से दसों दिशाओं में विजय प्राप्त होती है। हनुमान जी संकट मोचन है, संकटों का हरण करते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र इस प्रकार है। हनुमान वंजनी सुनुर वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुन सखा पिंगाक्षो अमित विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन। ॐ श्री सुमते नमः। श्री हनुमान जी की द्वादश नाम स्तोत्र श्रवण करने से दसों दिशाओं में विजय प्राप्त होती है। हनुमान जी संकट मोचन है, संकटों का हरण करते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र इस प्रकार है। हनुमान वंजनी सुनुर वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुन सखा पिंगाक्षो अमित विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन। श्री हनुमान जी की द्वादश नाम स्तोत्र श्रवण करने से दसों दिशाओं में विजय प्राप्त होती है। हनुमान जी संकट मोचन है, संकटों का हरण करते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र इस प्रकार है। हनुमान वंजनी सुनुर वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुन सखा पिंगाक्षो अमित विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन। ॐ श्री सुमते नमः। श्री हनुमान जी की द्वादश नाम स्तोत्र श्रवण करने से दसों दिशाओं में विजय प्राप्त होती है। हनुमान जी संकट मोचन है, संकटों का हरण करते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र इस प्रकार है। हनुमान वंजनी सुनुर वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुन सखा पिंगाक्षो अमित विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोक विनाशनः
लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान जी की द्वादश नाम स्तोत्र श्रवण करने से दसों दिशाओं में विजय प्राप्त होती है। हनुमान जी संकट मोचन है, संकटों का हरण करते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र इस प्रकार है। हनुमान वंजनी सुनुर वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुन सखा पिंगाक्षो अमित विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन।